संदेश देंगी, खासकर इस कस्बाई इलाकों से जिस तरह से रिजल्ट आपने क्रैक किया? मैं बहुत लकी रही कि मैं बक्सर के छोटे शहर से पढ़ी, फिर भी मेरे स्कूल में मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई मिली, और उसके बिना मैं अपना आगे का कदम नहीं रख पाती अगर मेरा बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो आपके छोटे शहर में भी आपको अगर अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं तो आप वहाँ ज़रूर पढ़ें, और घर पे रहकर पढ़ने का बहुत एडवांटेज होता है, आपके आपका टाइम कम वेस्ट होता है हर चीज़ में, और आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन मिलते रहता है। तो आप अपने आप के लिए डिसाइड करिए कि आपको बाहर रहकर पढ़ने में ज़्यादा कम्फर्ट मिल रहा है या अपने घर पर रहकर पढ़ने में कम्फर्ट मिल रहा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? बात किया जाए तो बहुत ज़बरदस्त आपका समझ में आ रहा है। कैसे छात्रों कहेंगे कि आप ध्यान केंद्रित रखें, इधर उधर न जाएं, पढ़ाई बताएं, मतलब आखिर किस तरह योग करती थी या क्या? तो आप जिस भी दिन के जिस भी टाइम पर आपको लगे कि डिस्टर्बेंस सबसे कम है, जैसे मैं घर पे रहकर पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि रात में सबके सोने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने का, तो मैं रात में 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, सुबह 9 बजे तक पढ़ती, क्योंकि उस समय शांति रहती, कोई आपको फ़ोन नहीं करेगा, कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो आप उस तरीके से अपना टाइम निकालें, अपना अपने माहौल को एनालाइज करें और फिर अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। छात्रों को कितना घंटा पढ़ना है? ये घंटे पर एकदम भी डिपेंड नहीं करता। आप 16 घंटे पढ़कर भी आप 2 घंटे भर का ही पढ़ रहे हैं, या फिर आप 2 घंटे में भी 16 घंटे भर की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप अपना आउटपुट देखिए इफेक्टिवली, उसको टेस्ट से चेक करिए, और आप जितनी कम आवर्स में जितना ज़्यादा पढ़ पाए उतनी अच्छी बात है। रैंक आएगा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट नाउ। पहले सोचा था क्या? नहीं नहीं, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ऊपर रैंक आएगा। आपका फ्यूचर प्लान? अभी तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज इंडियन फॉरेन सर्विस, अभी देखते हैं कहाँ कैसे एलोकेशन होता है, उसके हिसाब से बाकी फ्यूचर प्लान होगा। कैसे ये पहले तो प्री के लिए रिसोर्सेज ढूंढ लिया, उसके बाद उस हिसाब से मतलब अलग अलग स्टेज पे अलग अलग